Good morning, friends, and once again, welcome from sharestudyingschool.com. Today, 25th October 2019. As far as Nifty's analysis is concerned, as we know that we saw yesterday a gap of opening, and after that, market started coming down. And if you look at daily chart, then that is quite clear, quite evident that still we are in consolidation. This is a bar in which we have been closing for last 3 days. Our last 3 days close are within the range of this bar, and that is 18th October bar. So unless market cross these bar high or low and close beyond that, we will not see any kind of a breakout or breakdown. So that attempt was made actually 22 tarikh upar ki taraf attempt hua tha aur kal ka niche ki taraf attempt hua tha, ye dono attempt fail ho gaye the aur closing again within this range ho gaye the. So mere khayal se ye agar abhi kal ka low agar todta hai, yahan se agar main is kal ke low ko agar highlight karu, तो ये कल का लो अगर तोड़े तो फिर नीचे इसके जाने के पूरे चांसेस है, और 20 के ईएमए के डेली चार्ट पे इसको सपोर्ट है जो 11,411 के आसपास फिर दर फिलहाल प्लेस है. हम लोग डेली चार्ट में इनवैलिड क्रॉस ओवर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये इनवैलिड क्रॉस ओवर मार्केट को नीचे ला सकता है, ये हमारा बेसिक स्टडी है. सो उसका नीचे का पहला सपोर्ट जो है वो 11,470 के पास है, और उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो ये एक एक्युमुलेशन जोन है. ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो गैप है, ये गैप के बीच में मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, रादर ये गैप को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा. सो 11,470 से 11,380 या 100 पॉइंट की जो गैप है, ये गैप एक बार अगर 70 के नीचे आ जाए तो 380-400 के आसपास मार्केट सपोर्ट चेक कर सकता है, और वो होने के चांसेस ज्यादा है मेरे ख्याल से. अगर ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट हो तो फिर ये जो मुझे शेप दिख रहा है इसका, ये वी फॉर्मेशन है, ये जो है इसको हम इस शेप को जनरली कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के रूप में कहा जा सकता है. सो ये दी कह सकता है कि इसको अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर दूं तो ये अगर पूरा कप फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है तो हैंडल फॉर्मेशन क्रिएट होना जरूरी है, और ये हैंडल फॉर्मेशन जो है वो ऐसा 20 के आसपास आके सपोर्ट लेके अगर इसको ब्रेकआउट दे तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो बेसिकली जितनी इस कप की हाइट होती है उतना रहेगा, प्रोवाइडेड ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो. ये मैंने प्रोबेबिलिटी की बात करी है, एडवांस हमें एंटिसिपेट जो कर रही है, ये ऐसे होने के चांसेस है ऐसा मुझे लग रहा है. This formation cup and handle formation is nothing but generally Adamantium formation in which fat Adam and fat U. So fat U formation create होना ये daily chart में जरूरी है. So शायद ये मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे आके इधर 400 के आसपास support check करके फिर bounce होके ये ऊपर जाए, और उसके बाद हमें यहाँ पे breakout मिले. So ये probability है, और ये इस phase में से हम जा रहे हैं. So फिलहाल हम ये handle formation के mood में market मुझे दिख रहा है. ये डेली चार्ट का शेप, सो ये होने के अगर चांसेस है तो फिर मार्केट करेक्शन पे आएगा, और मार्केट का कल का लो अगर तोड़े तो अगर हम इसको इंट्राडे में देखें तो इंट्राडे में टू आर्ली चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से जो नीचे आए तो 470 के आसपास इसको 50 का ईएमए सपोर्ट देगा. सो ये कल का जो लो है, ये लो अगर ये तोड़ता है, जो लेवल अभी फिलहाल अगर मैं बारीकी से देखूं तो 11,530 के नीचे अगर मार्केट आए, 11,530 के नीचे अगर मार्केट आए तो मार्केट नीचे जा सकता है 11,470 के पास. सो बीच में 500 के लेवल पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्रिएट होगा, वहां से छोटी सी रिकवरी आएगी 534 को, फिर एक बार रीटेस्ट करेगा. सो ये टूटेगा फिर 30 के आसपास रीटेस्ट करेगा, या टूट के 20 के ईएमए को भी रीटेस्ट कर सकता है, और फिर वापस नीचे जाएगा 11,470 के पास. वहां पे एक थोड़ा वापस सपोर्ट आ सकता है, और वहां से अगर ये और नीचे चला जाए तो ये धीरे धीरे ट्रेंड ये शायद इस तरह से इस लेवल पे आए, वहां पे 100 ईएमए 11,416 से 390 के बीच में इस जोन में मार्केट एक काफी बड़ा सपोर्ट टेस्ट कर सकता है. ये हम टू आर्ली चार्ट देख रहे हैं. 15 मिनट के फॉर्मेशन को अगर हम ध्यान से देखें
तो हम लोग ऑलरेडी 100 ईएमए के नीचे है और 20 को और 100 को यहाँ पे हम रिटेस्ट कर रहे हैं. सो ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस दे सकता है. कल मार्केट ने गैप अप ओपन होके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने की कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गया और ये अटेम्प्ट फेल होने के बाद इसको ट्रेंड लाइन को दो बार इसने रिटेस्ट किया है और ये दोनों बार रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है. मैं सिर्फ इस लेवल को ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ 11,530 के नीचे, क्योंकि ये कल का दो बार का सपोर्ट चेक किया हुआ लेवल है. सो तब तक इसके नीचे नहीं आता शॉर्ट सेल ना इनिशिएट करें, ये काफी जरूरी है. अगर ऊपर गया किसी कारण से, सपोज 11,620 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हुआ है 15 मिनट के बार चार्ट में, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो और फिर उसका अगला रेजिस्टेंस जो है वो 11,650 और 11,680. सो ये दो रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के हैं. सो 11,650 और 11,680 इन केस मार्केट 11,620 के ऊपर सस्टेन होता है, लेकिन नीचे जाने के प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है ऊपर जाने के प्रोबेबिलिटी से. अगेन बात कर रहा हूँ डेली चार्ट में हम कंसोलिडेशन में है, मार्केट वोलेटाइल होने के चांसेस है. सो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज और ये दोनों लेवल हमारे लिए मायने रखती है. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे, गुड डे.